वेलकम बैक टू द नूबर्स कम्युनिटी। तो आपका स्वागत है फिर से। तो एक बार हम फिर से आज वापस आ गए हैं एक नई गेम लेके, जो अराउंड 500 की गेम है। तो सबसे पहले हम गेम के बारे में बात करने से पहले, आपको अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए तो हमारा नया वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज हम एक फ्री गेम के बारे में बात करने वाले हैं, मीन्स वो फ्री नहीं है, वो स्टीम पे अराउंड 500 रुपीज़ की मिल रही है। तो वो गेम को फ्री में कैसे क्लेम करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यस, वो गेम है द वॉकिंग डेड। जैसा आपको टाइटल से पता चल गया होगा, द वॉकिंग डेड अ न्यू फ्रंटियर। तो अगर वॉकिंग डेड सीरीज़ के अगर आप फ़ैन हैं या टेलटेल गेम्स के आप फ़ैन रह चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और आपको कैसे क्लेम करना है पूरा मैं इसमें वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले स्टीम पे जाके आपको सर्च कर लेना है द वॉकिंग डेड अ न्यू फ्रंटियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये 499 अराउंड 500 की गेम है ये। तो आप अगर इसको 75 से डिवाइड कर लीजिए आपको पता चल जाएगा उतने डॉलर की गेम है। और इसका जो अल्टीमेट स्टीम बंडल है वो अराउंड 3476 में मिल रहा है, वो भी 10% ऑफ के साथ। बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो बाइंग द वॉकिंग डेड एंड न्यू फ्रंटियर का जो नॉर्मल वर्जन है वो फ्री में कैसे क्लेम करना है। तो उसके लिए हम चले बढ़ते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की तरफ। तो आपको बस सर्च कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। आप अगर सर्च कर लेंगे अपने ब्राउज़र पे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ जाएगा। फिर वहाँ से आपको बस वहाँ पे क्लिक कर लेना है और होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद आपको सर्च में द टाइप करना है द वॉकिंग डेड अ न्यू फ्रंटियर। तो आपको वॉकिंग डेड अ न्यू फ्रंटियर वहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आप जैसा देख सकते हैं कि मैं पेज पहले से खोल चुका हूँ, आप सर्च कर लेंगे तो आपको भी यहाँ पे वैसे एक पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको बस यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री प्लस यहाँ पे दिख रहा है। तो यस दोस्तों, यहाँ पे आज माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ये गेम फ्री में दे रहा है, और मे बी लाइफ टाइम के लिए गेम है। तो ये आप गेम कभी भी क्लेम कर सकते हैं क्योंकि इसका डेड एंड अभी तक कोई नहीं दिख रहा। गेम हमेशा के लिए फ्री हो चुकी है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। फिर भी फॉर सिक्योरिटी मैं बोलूँगा कि आप पहले से क्लेम करके रख लीजिए, क्या पता कभी गेम हट जाए। तो ये गेम पहली बात 18 प्लस है, और गेम की साइज़ के बारे में बात कर ले तो ये गेम अराउंड आप देख सकते हैं, ये गेम वेट ऑफ सेकेंड, ये गेम अराउंड 20 GB से कम ही है। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी कुछ हाई नहीं है इस गेम के। आप आराम से इस गेम को अपने पीसी या लैपटॉप में खेल सकते हैं, और ये गेम एक्सबॉक्स पे भी अवेलेबल है। बट ये अभी जो फ्री मिल रहा है वो ये एक्सबॉक्स लाइव की तरफ से, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ही एक्सबॉक्स है। तो एक्सबॉक्स लाइव उनका एक ऐप है विंडोज़ का, उसकी तरफ से ये, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ये जो ऐप है एक्सबॉक्स लाइव, ये उस पर भी फ्री क्लेम हो रहा है। और मीन्स वो आप जैसा बोल सकते हैं वो सिमिलर ही है माइक्रोसॉफ्ट का जो ये स्टोर है उसके जैसा ही सिमिलर ही है। वहाँ पे सारे गेम्स आपको शो होते हैं, जैसे आपके निविडिया में सारे गेम्स जो आप इंस्टॉल करके रखते हैं वैसे शो होते हैं, वो उस टाइप का ही कुछ और है। और आप वहाँ से कंट्रोल बार और वो सब कंट्रोल कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग और आप FPS मॉनिटर और ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो बस उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्लिक कर लेना है गेट पे क्लिक करने के बाद पहले लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो आप लॉगिन करके फिर से सर्च कर लीजिएगा। और जैसा मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया हुआ था तो यहाँ पे मेरे को लॉगिन का अभी बता रहा है। तो लॉगिन करने के बाद अब आगे मिलते हैं हम कि कैसे लॉगिन आप कर लेंगे तो आपको गेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आके अपना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोल लेना है, जो कि आप नॉर्मली एक ऐप खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का, वो आपको खोल लेना है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोलने के बाद आपको ऑल ओन्ड में चले जाना है। आपने जो गेट किया है तो आपका वो गेम क्लेम हो चुका है। क्लेम होने के बाद आपको यहाँ तो वॉकिंग डेड न्यू फ्रंटियर दिख रहा होगा, और ये मेरा ऑलरेडी पहले ही परचेस कर चुका हूँ। तो मैं ये आपको मैंने आपके लिए लेके आया था वीडियो, बहुत लेट हो गया, सॉरी उसके लिए। बट गेट होने के बाद आपको क्लेम हो जाएगा। क्लेम करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये ऑल ओन्ड में ऑप्शन, ऑल ओन्ड यहाँ पे आप जहाँ पे जाएंगे जो थ्री डॉट्स पे क्लिक करने पर डाउनलोड एंड अपडेट्स दिखा रहा है। डाउनलोड एंड अपडेट्स में जाने के बाद आप ये ऑल ओन्ड में चले जाएंगे। ऑल ओन्ड में जाने के बाद आपका जो गेम्स ओन हो चुके हैं
जो ओन्ड गेम्स हैं, तो ऑल ओन्ड गेम्स जो भी आपके हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। मेरा में यहाँ पे ये दिख रहा है, तो वहाँ पर बस आपको ये यहाँ से हम क्लिक करके ये गेम को यहाँ से खोल लेते हैं, और बाकी सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको गेम क्लेम हो चुका है, आपको पता चल चुका होगा ये कैसे करना है। तो अगर आपको ये गेम के आप फ़ैन हो और आपको ये बहुत टाइम से अगर वेट कर रहे थे आप, तो एक लाइक ज़रूर बनता है। लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको पता रहेगा हमारा नया वीडियो जब भी आएगा। तो फिर उसके बाद आपको बस यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है, और आपका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए ये गेम इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, बट इस गेम का भी वॉक थ्रू जल्द ही आएगा, तो उसके लिए बस आपको सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो यहाँ पे अगर आपको ये गेम अच्छा लगा हो, और तो आप एक लाइक ज़रूर बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप ये मल्टीप्लेयर गेम नहीं है, बट एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी मोड है इसका, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार ये गेम खेल लीजिए, क्योंकि वैसे फ्री मिल रहा है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा, बाय बाय।